क्रीट के जंगल में अमलतास का दरख्त आसमानी अथिया है, जिसका नजारा रूह को बालीदगी और लताफत बख्शता है। माह मई और जून में शहर में इससे बढ़कर कुदरती नजारा और कोई नहीं है। इस मौसम में अमलतास का रंग खूबसूरत गीत की लय के माने बुलंद होता है। भरपूर मौसम गर्मा में अमलतास खूब फलता फूलता है। फूलों और पत्तों से लदी फुंदी इसकी शाखें फाख्ताओं और रंगारंग परिंदों को अपनी जाने मुतवज्जो करती हैं। शीशम, नीम और पीपल के दरख्त मौसम सरमा के वस्त में पत्तों से महरूम हो जाते हैं, लेकिन अमलतास मई के आगाज में अपने पत्ते गिराता है। कमोबेश 3 हफ्ते ये पत्तों के बगैर रहता है। हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हमें अपने धरती के जो देसी पेड़ हैं उनका हमें बिल्कुल नहीं पता। ये पिछले कोई 25-30 साल में हमने ये किया कि जो अजनबी पौधे थे वो ला ला के यहाँ लगाने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ लाहौर में कि सब तरफ अजनबी पौधे लग रहे हैं। ये जो बाबू लोग आते हैं PHA में नौकरी करने के लिए, DMG के अफसर, उन्हें भी कुछ पता नहीं है। मई के वस्त में नन्हे खोशे फूटते हैं और ये इस तेजी से बड़े होते हैं कि एक ही दिन में दरख्त सुनहरे फूलों से लग जाता है। सोने के मानी दमकती लड़ियां और जैतून रंग के पत्ते अमलतास को एक खूबसूरत इम्तिजाज बख्शते हैं। रात की रानी की खुशबू अगर इंसानी रूह को सहलाती है तो अमलतास की महक उसको ऊपर उठाती है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अख्तर हयात, सिटी 42।